गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा एक, विषय हिंदी, और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, या संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था एवं भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो ये तो थी हमारी संज्ञा की परिभाषा, और अब हम पढ़ते हैं उदाहरण कि संज्ञा के उदाहरण क्या हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था एवं भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे उसके उदाहरण दिए हैं, पहले प्राणी के नाम, फिर वस्तु के नाम, स्थान के नाम, अवस्था के नाम। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राणी के नाम। प्राणी के नाम है कुत्ता, लड़का, शेर। वस्तु के नाम पुस्तक, मोबाइल, कुर्सी। स्थान के नाम दिल्ली, डाकघर, प्लेटफॉर्म। अवस्था के नाम बचपन, बुढ़ापा, जवानी। संज्ञा के प्रकार, ये तो हमने उदाहरण पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये तीनों हमारे संज्ञा के भेद हैं। तो बच्चों, ये आज का हमारा संज्ञा टॉपिक पूर्ण हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।